नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब चार महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। किसानों के भारत बंद का कई दलों ने समर्थन किया है। कांग्रेस, CPIM समेत कई दलों ने इसका समर्थन किया है। किसान मोर्चा ने कहा कि पूर्ण भारत बंद के तहत सभी दुकानें, मॉल, बाजार और संस्थान बंद रहेंगे। तमाम छोटी बड़ी सड़कें और ट्रेनें जाम की जाएंगी। किसानों का कहना है कि एम्बुलेंस और बाकी जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। दिल्ली के अंदर भी भारत बंद का प्रभाव रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर भारत बंद का असर देखने को मिला। किसानों ने भी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। गाजीपुर बॉर्डर बंद होने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोनीपत में भी किसान सड़कों पर दिखे। सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 को किसानों ने जाम किया। किसानों ने KMP और KGP को भी जाम किया। सिरसा में पुलिस भारत बंद को लेकर अलर्ट दिखाई दी। अलग अलग चौक पर पुलिस ने नाके लगाए और आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की। पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेने की चेतावनी दी। किसान संगठन पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत कई जगहों पर चक्का जाम करेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। देश में 24 घंटे में करीब 60,000 नए केस मिले। 257 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या 35,000 को पार कर गई। 24 घंटे में 35,952 नए मामले सामने आए। 111 मरीजों की मौत हो गई। 20,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए। मुंबई में भी हालत फिर से गंभीर होने लगी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 5,504 नए मामले सामने आए। इस दौरान 4 मरीज की मौत हो गई। मुंबई में 75 दिन में डबलिंग रेट हो गया। दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 16 दिसंबर के बाद दिल्ली में पहली बार 1,500 से ज्यादा नए केस सामने आए। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे का आगाज हो गया। पीएम मोदी दिल्ली एयरपोर्ट से ढाका के लिए रवाना हुए। बांग्लादेश अपनी आजादी के 50 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा, जिसमें पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंच रहे। कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला विदेशी दौरा है। बांग्लादेश के गठन में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि इस खास मौके पर प्रधानमंत्री शामिल हो रहे। पीएम मोदी के दौरे से पहले बांग्लादेश को सजाया गया है। ढाका में त्यौहार जैसा माहौल है। पीएम मोदी अपने दौरे के पहले दिन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सावध में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी और शेख हसीना बगबंधु बापू प्रदर्शनी की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में सनराइज अस्पताल में आग लग गई, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई। घटना भांडुप इलाके की है। जी मॉल में भीषण आग लगी। इस मॉल में तीसरे मंजिल पर एक अस्पताल भी था, जहां पर 70 से ज्यादा मरीज भर्ती थे। इसमें से ज्यादातर कोरोना वायरस से संक्रमित थे। घटना के बारे में जानकारी देते हुए DCP ने बताया कि करीब 90 से 95% मरीजों को बचा लिया गया, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। अंबाला में भजन सम्राट हरियाणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने विजेताओं को सम्मानित किया। फरीदाबाद में बापूनगर की जनता जन सुविधाओं के लिए तरस रही है। बापूनगर के सरकारी स्कूल के गेट पर सीवर लाइन का पानी खुली में बह रहा, जिसमें मक्खी मच्छर पनप रहे। स्कूल आने वाले छात्रों को मुंह ढककर स्कूल जाना पड़ रहा है। निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी सीवर लाइन के गंदे पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया। इनेलो ने टिगरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के लिए 40 बेड का अस्थायी अस्पताल खोला। इस मौके पर इनेलो युवा नेता अर्जुन चौटाला ने कहा कि धरने पर बैठे किसानों के स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी समस्या थी। अर्जुन चौटाला ने कहा कि इनेलो ने फैसला किया है जितनी ज्यादा हो सके किसानों को स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा देंगे। इसी कड़ी में पार्टी ने टिकरी बॉर्डर पर एक मेडिकल कैंप बनाने का फैसला लिया है।
बाईपास रोड पर सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि ट्रक चालक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बाईपास रोड पर गांव मलेरना के पास करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। ग्रामीणों का ही कहना है कि सड़कों पर जगह जगह ट्रक खड़े रहते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। करनाल शमशान घाट पर 65 साल के बुजुर्ग ने संदिग्ध हालत में जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस का कहना है कि अभी मौत की वजह साफ नहीं है। कैथल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। CIA 2 पुलिस ने गश्त के दौरान गांव किठाना से नशा तस्कर ग्रुप के 3 सदस्यों को गाड़ी के साथ काबू किया, जिनके कब्जे से 18 लाख रुपए की 2 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद की। करनाल के मैनमती गांव में फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में कृषि यंत्र बनते हैं। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उधर गनीमत रही की घटना में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। आग लगने से फैक्ट्री में संपत्ति का नुकसान जरूर हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फतेहाबाद के भूना इलाके में दुकान में रखे गैस सिलेंडर में आग लग गई। हड़कंप मच गया। चाय बनाते समय अचानक से सिलेंडर ने आग पकड़ी। दुकानदार ने तुरंत सिलेंडर को निकाला और दुकान के बाहर किया। मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले मिट्टी से भरी ट्रॉली सिलेंडर पर उड़ेलकर आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आग के चलते चाय की दुकान पर रखा काउंटर जल गया, लेकिन दुकानदार ने चुस्ती दिखाते हुए सिलेंडर को बाहर निकाल लिया। पंचकुला में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचायती राज संस्थाओं में महिला अचीवर्स को स्कूटी वितरित की। महिला सरपंच की ओर से पंचायत में किए गए अच्छे कार्यों के लिए 28 स्कूटी दी गई। चरखी दादरी के रोज गार्डन में भारतीय मजदूर संघ ने एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग के बाद शहर भर में प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम CTM को ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ के जिला प्रधान ने बताया कि सरकार हमारी मांगों को जल्द नहीं मानती है, तो हम बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं CTM अमित मान्य ने बताया कि ज्ञापन ले लिया गया है और मुख्यमंत्री के पास भेज दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में लाया गया, जिसकी जांच के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। अंबाला में दिन दहाड़े 4 युवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का मामला सामने आया, जिसमें 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना अंबाला शहर के कालका चौक की है। 4 युवक अंबाला कोर्ट में पेशी के बाद वापस घर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि 2 युवकों की ओर से इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामला 2 गुटों की आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारी 26 मार्च को 2 घंटे के लिए सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताएंगे। कर्मचारियों का यह कहना है कि हरियाणा सरकार को कर्मचारियों के साथ बसें भी बढ़ानी चाहिए। सिरसा में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सिरसा में एक दिन में 20 नए केस सामने आए हैं। कैथल CIA 2 पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। गांव किठाना के पास 3 तस्करों को 2 किलो 85 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। 3 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। पलवल में 64 स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। सिविल सर्जन ने कहा कि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ। पिछले सप्ताह 3 कोरोना के नए केस सामने आए। पड़ोस के जिलों में भी आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में लापरवाही बरतना ठीक नहीं। किसानों के भारत बंद को लेकर हरियाणा में प्रशासन सतर्क। भारत बंद के चलते फतेहाबाद के DC ने अधिकारियों की मीटिंग ली। 18 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भारत बंद के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगे, हालात के मुताबिक फैसला लेंगे। DC ने किसानों से सावधानी बरतने की अपील की। टोहाना में पेट्रोल पंप से बिना रुपए दिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाने और पिस्टल के बल पर कर्मचारी से 2000 की नकदी छीनकर फरार होने का मामला सामने आया। पुलिस ने जांच शुरू की। पेट्रोल पंप के कर्मचारी से आरोपी मोबाइल छीनकर भी ले गए। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने आरोपियों की गाड़ी में 2600 रुपए का तेल डाला। पैसे मांगने पर उन्होंने गुंडागर्दी की। दोबारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अंबाला जिला बार एसोसिएशन ने वरिष्ठ वकीलों के को केसों की सुनवाई में कोर्ट में आने से छूट देने का फैसला किया, जिसको सेशन जज ने स्वीकृति दी।
गंभीर बीमारी से ग्रस्त वकीलों को भी केस की सुनवाई में आने से छूट रहेगी। जिला बार एसोसिएशन के उप प्रधान ने बताया कि हाल ही में बार एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें प्रस्ताव पास किया गया। सरकार की ओर से जेबीटी बंद करने के फैसले को लेकर रतिया में जेबीटी छात्रों में भारी रोष देखने को मिला। जेबीटी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र एसडीएम कार्यालय के आगे धरने पर बैठे। इस दौरान जेबीटी छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जेबीटी बंद करने का फैसला तुरंत प्रवास से वापस नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पुलिस ने लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया। मास्क बांटे और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी। चौकी इंचार्ज ने बताया कि बिना मास्क वाले लोगों को 500 रुपए का चालान किया जा रहा है ताकि वो लापरवाह ना हो। इसके अलावा महामारी से बचने के लिए मास्क भी बांटे जा रहे हैं। हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन और पटना से विधायक नैनपाल रावत ने अपने कार्यालय पर अधिकारियों की मीटिंग ली। विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। कहा जनता को कोई परेशानी ना होने दी जाए। पलवल में जिला स्वास्थ्य विभाग ने एक भूम जांच रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया। लोग बागपत के बड़ौत में राणा नरसिंह होम की अल्ट्रासाउंड मशीन से इसे अंजाम देते थे। पुलिस ने 6 के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर मशीन को सील कर दिया। झज्जर में तेज रफ्तार कार एक ट्रक में जा घुसी जिसके बाद कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। पानीपत के हनुमान कॉलोनी में हथियार समेत हमलावरों ने दुकानदार को पीटा से स्त्री में कैद हुई मारपीट। बंदूक के बट और लात घूसों से की जमकर पिटाई। भीड़ इकट्ठी होते देख हमलावर मौके से फरार हो गए। दुकानदार से चल रही थी हमलावरों की रंजिश। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पानीपत के बवेल रोड पर खुदाई के दौरान मिले 3 नर कंकाल मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कलयुगी पति ने ही पत्नी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा है। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के निर्देशों पर पुलिस ने जगदेव सिंह चौक के पास नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और बिना मास्क मिले लोगों के चालान काटे। पुलिस के अभियान को देखते हुए अब काफी संख्या में लोग दोबारा मास्क का इस्तेमाल करने लगे हैं। होली के त्यौहार को लेकर भी पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। लोगों को खरीदारी करने के लिए आते वक्त मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है। कैथल के बस स्टैंड परिसर में कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा। बसों में 2 गज की दूरी का ख्याल नहीं रखा जाए। यात्री मास्क के बिना ही बस में घूम रहे हैं। स्टैंड परिसर में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए यात्रियों ने 2 गज की दूरी का ख्याल भी नहीं रखा। लाइन में टिकट लेते समय यात्री धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। यमुनानगर भारतीय मजदूर संघ की ओर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों ने लघु सचिवालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ के नेताओं को आरोप है 2004 के बाद सरकारी सेवा में लगे सभी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जब संसद में सांसदों ने प्रस्ताव किया तो सबसे पहले सांसदों को अपनी पेंशन बंद करके उदाहरण पेश करना चाहिए था। सोनीपत के करकुदा में ईंट से कुचलकर हत्या करने के मामले पुलिस ने मृतक के गांव के 2 युवकों को गिरफ्तार किया और जिन्हें न्यायालय में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी का आरोपी के परिवार की लड़की से अभद्रता करने पर रंजिशन ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। शराब पिलाने के बाद युवक की हत्या की गई। विवाद में अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले मामले में पुलिस ने 4थी आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से वारदात में इस्तेमाल किए गए मोबाइल व सिम कार्ड बरामद किए हैं। आरोपी को अदालत में पेश कर दिया गया है। सोनीपत की शास्त्री कॉलोनी में रहने वाले आरती के साथ धोखाधड़ी कर उनसे उनके खाते से 1,85,000 रुपये उड़ाने का मामला सामने आया। ठगों ने पहले उनके खाते से 95,000 रुपये निकाले और बाद में लिंक भेजकर 90,000 रुपये और निकाल लिए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। फ्रॉड को लेकर एसपी ने नई टीम का गठन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के जन्मदिन कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया। बाइक सड़क पर ही छोड़कर भागे कार्यकर्ता। किसानों का कहना है कि वीरेंद्र सिंह दौरे चरित्र की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वे बीजेपी से इस्तीफा दें और अपने सांसद बेटे का इस्तीफा दिलवाकर किसानों के समर्थन में आए। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के भारत बंद का शहर के पेस्टिसाइड सीड फर्टिलाइजर एसोसिएशन ने समर्थन किया। एसोसिएशन ने समर्थन करते हुए सभी दुकानें बंद रखने का फैसला लिया।
अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो उस पर 1100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। पेस्टिसाइड एसोसिएशन की बैठक प्रधान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए। रोहतक में कांग्रेस पार्टी के संगठन को जिला स्तर पर मजबूत करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस नेता सुभाष पत्रा और पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति अवडा व पूर्व विधायक आनंद सिंह डांकी समेत कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षक आर्यनगर शर्मा ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके जिले में कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बादली नगर पालिका बनाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्थानीय शहरी निकाय मंत्री अनिल विज का आभार प्रकट किया। क्षेत्रवासियों को नगर पालिका का दर्जा मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने बादली वासियों को होली का तोहफा दिया है। धनखड़ ने कहा कि बादली में शहरी निकाय विभाग के अधिकारी बैठेंगे और ये क्षेत्र शहरी तर्ज पर विकसित होगा। उन्होंने कहा कि केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ दोहरी रेलवे लाइन बनते ही बादली में रेल की सीटी भी बजेगी। बादली में 50 बेड का नागरिक अस्पताल भी बनेगा। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बादली विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। कुरुक्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लोगों के चालान काटे गए। मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करवाने के लिए प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। गरोडा जीटी रोड के पास पटेल मार्केट में हथियारबंद युवकों ने दुकानदार से लूट का प्रयास किया। लुटेरों ने दुकानदार पर चाकू से हमला किया। हमले में दुकानदार और उसका भाई घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद मार्केट में दहशत का माहौल है। गन्नौर रेलवे रोड शिव पार्क में सोनीपत के एक निजी हॉस्पिटल के खिलाफ पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे राजीव जैन ने अपना अनशन खत्म कर दिया। बीजेपी नेता देवेंद्र कादियान ने जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। आश्वासन दिया कि वे सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेंगे, अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। राजीव जैन ने देवेंद्र कादियान की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद अपने अनशन को खत्म कर दिया। साल 2017 में सोनीपत के निजी अस्पताल में डेंगू के इलाज के दौरान राजीव जैन के बड़े भाई संजय जैन का देहांत हो गया था। राजीव जैन का आरोप है कि अस्पताल के चिकित्सकों ने इलाज के दौरान लापरवाही बरती, जिसके चलते उनके भाई की मौत हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संघ परिवार नहीं कहेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है जो आरएसएस में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना है कि आरएसएस और संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है, अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूंगा। जगर में सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ। हमला लावापुरा इलाके में हुआ। सीआरपीएफ पार्टी पर हमले में 3 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेना को झटका दिया। शॉर्ट सर्विस कमीशन में परमानेंट कमीशन देने की मांग मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि समाज पुरुषों के लिए पुरुषों ने बनाया है, अगर ये नहीं बदलता तो महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाएगा। कोर्ट ने स्थायी कमीशन की युक्त महिला अधिकारियों को 2 महीने के अंदर पदभार देने का निर्देश दिया। नेशनल हेल्थ मिशन के डीपीएम को सिविल सर्जन ने टर्मिनेट कर दिया। सीएम विंडो पर शिकायत के बाद मामले की जांच की गई और फिर एसडीएम और डीपीएम को टर्मिनेट करने की सिफारिश की गई। डीपीएम पिछले 12 वर्षों से इस पद पर कार्यरत था। गांव व रसूलपुर के रहने वाले ने एनएचएम नियमों की उल्लंघना कर नौकरी में बने रहने की शिकायत की थी।